हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वॉचिंग एचटीडीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तो जनाब, आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी और एल्विस यादव। इनका कोई आपस में लगता है चल रहा है, मैटर चल रहा है, क्योंकि वीडियो का टाइटल ऐसे है, लव जिहाद फनी क्लिप विद सीरियस मैसेज बाय द जोन एल्विस यादव वर्सेस ध्रुव राठी। राठी साहब ने केरला स्टोरी को लेके कुछ ऐसी वीडियोस नहीं थी जिसकी वजह से, या जिसके आप कह लें रिएक्शन में, बहुत सारे लोग उनके मुतलिक बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें बिला वजह उंगली नहीं करनी चाहिए थी। तो वीडियो देखते हैं, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन हाजिर है, कुछ हमें सजेस्ट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड सब लोगों को राहुल गांधी से आपकी सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, कौन सा चीज सीखना चाहिए? मानता विश्वास है ना, वो एक एक बात दिखाइए जो बात सीखना चाहिए। क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हो? ये कह रहा होगा भाई, ये क्या हो गया? तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो फिर से नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए फनी क्लिप विद सीरियस मैसेज लेकर आया, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ओके दोस्तों, भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। कि सरफराज धोखा देगा, मुसलमान धोखा देता है, कौन बोला? ये अब बहुत सारे केस हैं, लेकिन जनरलाइज नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा, देखो हर हर उसमें कहते हैं कुछ गंदी मछलियों की वजह दोस्तों, से हमें आए दिन लव जिहाद की घटनाएं सारी बारे में सुनने को सोसाइटी। मिलता है। जैसे कि केरला स्टोरी में बताया गया है कि किस प्रकार हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनका कन्वर्जन किया जा रहा है लव जिहाद के माध्यम से। परंतु दोस्तों, आज भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो सब कुछ पता होते हुए भी, इस चीज के बारे में, इस ग्लोबल एजेंडे के बारे में पता होते हुए भी, इसी भ्रम में रहती हैं कि उनका अब्दुल अलग है। तो आप नेक्स्ट क्लिप में देखिए। हालांकि दोस्तों, जिनको नहीं पता है इनकी सच्चाई के बारे में, उनका तो चलो मानते हैं, परंतु सब कुछ पता होते हुए भी वो इसी भ्रम में है कि उनका अब्दुल अलग है। वो ऐसा उनके साथ बिल्कुल भी नहीं करेगा। दो दिन क्या हो, क्या नाम है? घर जा। ये कैसे नाम क्या? इधर आना। तू मेरे को नहीं जानता? मैं जानता हूँ भाई अच्छी तरीके से, पता अंदर से जुड़ा हुआ मैं भी, बहुत देर से देख रहा हूँ वहाँ पे, तू उसको मार रहा था। नाम क्या है? घर जा। नाम क्या है? इधर आ पहले बहन। नाम क्या है तुम्हारा? हाथ मत लगा इसे, तू मार देगा। नाम क्या है तुम्हारे, बताओ पहले? प्रिया नाम है। और ये मुसलमान है? तो और तुम्हें से क्या मतलब तुम्हें है? शर्म नहीं है बिल्कुल? क्या है मतलब अभी कैसे नहीं सुना तुमने? मतलब क्या? वो तो तुम्हें पता चल जाएगा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो पता चल जाएगा। मॉरल पुलिसिंग। अरे ठीक है, वो तो पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, चाहे इधर वाले करें चाहे उधर वाले करें, मार रहे जब तो कुछ नहीं, मेरे ख्याल में कोई नहीं, बोल क्या करेगा, कोई नहीं, मारना भाई, मार दो, मार मार। ओ सुने, तू छोटे का भतीजा है ना? हाँ कुछ भी हो मैं। हाँ तो मेरे से किस बात की बसर? तो उस लड़की को क्यों मार रहे हो? तो मेरे साथ है तो मारेगा तो उसके। वो तो अपनी उम्र देख, और उसकी उम्र तो देख ले पहले। हाँ, वो तो स्कूल की बच्ची लग रही है मुझे। तो तेरे साथ है, कुछ भी हो। मुसलमान लड़के छोड़ रहे हैं, अरे कैसे छेड़ लोगे यार, तुम साले जंकी हो क्या? उसमें कह रहे बुरका पहन लीजिए, कोई नहीं छेड़े। अरे बुरका पहन के क्यों नहीं छेड़े? क्योंकि छेड़ने वाले साले वही है। तो छेड़ने वाला हिंदू लौंडे कैरियर के चक्कर में परेशान रहते हैं। उन सालों को कैरियर की कोई चिंता नहीं, कोई साला गाड़ी ठीक कर रहा, कोई कुछ कर रहा, उनके पास है समय हिंदू लड़कियों को अट्रैक्ट करने का। बेवकूफ है, बैन तो करेंगे करेंगे, पॉलिटिक्स के लिए कर रहा है यार, अपने ही देश में रह के सीरिया बनाना चाहे। क्योंकि हिंदू जो है अपने बच्चों को हमारी संस्कृति शिक्षा नहीं देता, इसलिए फिर ये सारे लव स्टोरी लिख होते हैं। उसमें मूवी के अंदर ये डायलॉग है, जो लड़की फंस गई थी वापस आती है घर अपने, और अच्छा बोलते हैं तो पापा आपने हमें हमारे कल्चर के बारे में क्यों नहीं बताया? कोई भी आकर कुछ भी बताया जाता है हमको हमारे धर्म के बारे में, हमको अपने धर्म का भी पता होना चाहिए, सामने वाले के धर्म का भी पता होना चाहिए। जैसे उस लड़की बोलती है जो जहज़्ज़त की आग है वो 70 गुना ज्यादा गर्म है आग से, और कुरान पढ़ेगा ना, अगर कोई अल्लाह को 1000 साल लगे लाल आग को सफेद आग बनाने में और सफेद आग को काली आग बनाने में 1000 साल और, तो अल्लाह को 2000 साल लग गए। भाई वो कुरान में नहीं लिखा, वो उसके इंटरप्रिटेशन में लिखा है। तो भगवान को, अल्लाह को, खुदा को 2000 साल लग जाएंगे आग को गर्म करने में, तो उससे पूछना चाहिए था आपको। लेकिन लड़कियों ने, ये तो जिसने तर्जुमा किया उसका कसूर है भाई। रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म नहीं होता एज पर कुरान, एज पर बाइबल।
पर कैसे हाँ. नहीं होता, साइंटिफिकली प्रूवन है, पुनर्जन्म होता है. बचपना मानकर नजरअंदाज कर दिया, मगर अब राजघराने का वो बच्चा 3 साल का हो चुका है और वो अपनी भाषा में 824 साल पुराना अपने पुनर्जन्म का राज बता रहा है. राइट, पैसा बोलते नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता जी. ये मैंने केसेस पढ़े थे, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि पिछली लाइफ का, लेकिन बाइबल और अब्राहम की ही कहते हैं नहीं होता. किसी का एग्जाम आसान है, किसी का एग्जाम बड़ा मुश्किल है. कुछ लोग संघर्ष बिता देते हैं सारा जीवन, कुछ लोग एकदम शिंगालिंगा हे करते करते वो चले गए जन्नत. ऐसे थोड़ी होता है, हाउ कैन गॉड बी पार्शियल. तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए ना. जाति की राजनीति के विरोधी है, पॉइंट नंबर वन. हम जातिवाद के खिलाफ हैं. हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है. हाँ. हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है. इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग. देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान. हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है. इतना जरूरी है, आप स्त्री गिनते हैं, पुरुष गिनते हैं, शिशु गिनते हैं, ये क्या, ये क्या ड्रामे बाजी है. अभी कह रहे हैं नेशनलिटी, नेशन, हम ये कह रहे हैं. साथ ही देश में हर 10 साल में जो सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर जो जनगणना होता है उसका रिपोर्ट जो है आप जारी कीजिए. वही ना, हिपोक्रेसी है भाई. मेरा सवाल आप सबसे है कि जब बिरयानी की बात आती है तो मुस्लिम और जलेबी की बात आती है तो हिंदू. इस देश में कहां से कहां तक सेक्युलरिज्म अभी जिंदा है? मैं जवाब दे दूं, ये बिरयानी मुस्लिम कब से हो ये बताइए. सुनिए, खाने भी मुस्लिम हिंदू होने लग गए. क्या है चावल? अरब में चावल पैदा होता है क्या? जहाँ पानी होता सबसे ज्यादा वहाँ पैदा होता है. दूसरा कॉन्स्टेंट है घी. घी कहाँ होता है? जहाँ खूब दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, वहाँ ऊँट का बूंद बूंद दूध आता था, कहाँ से घी आया? तीसरा कॉन्स्टेंट है मसाले. भारत से आते थे मसाले तो. ऐसे एक बात सही है, चल रहे हो पाकिस्तान. भारत माता की, भारत माता की. ये जो छिछोरा कैरेक्टर जिसका नाम एल्विश है, जो ये वीडियोस में प्ले करता है, तो गए जब लोगों को पता ही हुआ कि ध्रुव राठी एंड एल्विश यादव के बीच कंट्रोवर्सी चल रहा है. एंड एल्विश यादव ने बताया कि ध्रुव राठी के रिसेंट वीडियो में एल्विश वर्ड को बैन कर रखा है. इसके में बंद है क्या? बंद कर रखा है भाई ये देख. हां सिस्टम भाई ने मेरा कीवर्ड बंद कर रखा है यार. एल्विश नाम से कमेंट नहीं आता. एल्विश जिसके कमेंट में इनकी आपस में एल्विश भाई चल रही है. एल्विश कीवर्ड ही बंद है भाई के चैनल पे. देखो भाई कमेंट खोल भाई अपने. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मेरी नेशनैलिटी जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें पाकिस्तानी है. जिस रिलीजन को मैं चलता हूँ लेके वो इस्लाम है. लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा जी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मुसलमान हैं और वो जराइम करते हैं, क्राइम्स करते हैं. अब अगर एक बंदा चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद वो पकड़ा जाते हैं और आप कहते हैं कि जनाब 1000 लोग जो हैं वो मुसलमान निकले हैं जो चोर थे, चोरी कर रहे थे, आप सबको तो चोर नहीं कहेंगे. इसी तरह मैं समझता हूँ कि वो लोग जो किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ज्यूइश हो, चाहे क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक हो, अगर वो उसको धोखा देते हैं, आइडेंटिटी छुपा के शादी करते हैं, फिर शादी करने से पहले जब मज़हब से प्रॉब्लम नहीं था उसके, तो शादी करने के बाद उसको फोर्स करते हैं अपने मज़हब में कन्वर्ट करने के लिए, और अगर वो ना माने तो फिर उस पर तशद्दुद करते हैं, उस पर हाथ उठाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें जो है ना वो हत्या, मर्डर कर दी गई है. तो उस करने वाले को गलत कहा जाएगा, या फिर आप कह लें कि उसके घर के माहौल को देखा जाएगा. सबको आप उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले सबको तो नहीं कहेंगे ना कि ये
बारबेरिक एक्ट करते हैं, ये सब एक जैसे हैं, अच्छे बुरे लोग हर सोसाइटी में होते हैं। और दूसरी बात कि मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मैं कई बार कह चुका हूँ कि भाई जब शादी करने से पहले ये जानते बूझते कि वो बंदी नॉन मुस्लिम है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिसमें लड़की को भी पता होता है कि लड़का मुसलमान है, अब्दुल, ठीक है, शादी के बाद क्या हो जाते हैं। मैं इसलिए लड़कियों से कहता हूँ जी बहुत ध्यान रखा करें, ऐसे किसी की मीठी बातों में ना आ जाया करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनका प्यार वाकई सच्चा होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ जो है ना वो एक अपना माइंड सेट ले कर चल रहे होते हैं, वो इंस्पायर्ड होते हैं एक्सट्रीमिस्ट जितने भी लोग हैं। अब आप देख लें, 1000 साल पहले जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्रूसेडर्स थे, ठीक है, 1000 साल बाद जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका नाम जिहादी कहा गया उनको, और उसकी वजह भी है मासूम लोगों को मारते हैं। पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान में कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिस्ट एक्सपोर्टर है, लेकिन आप ये भी देखें कि पिछले 40-50 सालों से कोई लाखों पाकिस्तानी मारे गए हैं, इनोसेंट बेचारे काम पे जा रहे होते हैं, मस्जिद जा रहे होते हैं, मारे जाते हैं। पाकिस्तान में भी लड़कियां मुस्लिम लड़कियां उनका रेप होता है, करने वाले भी मुस्लिम होते हैं। तो ये जो ज़हनियत होती है ना जुर्म की, ये जो जिनके दिमाग में फतूर होता है, गंद भरा होता है, उसका ताल्लुक मेरा नहीं ख्याल मज़हब से होता है। हाँ, कुछ लोग मुझे कहेंगे कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो, इस्लाम के फ़लाँ फ़लाँ किताब में फ़लाँ चैप्टर में ऐसे लिखा है। तो भाई बात यह है, अरेबिक लैंग्वेज एक बहुत ही, मैं ये कहूँगा, ओपन लैंग्वेज है। इसमें सेम वर्डिंग के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। एग्जांपल मैं देता हूँ, हम जिस प्रॉफिट को फॉलो करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नवासे, उनके ग्रैंडसन, उन पे कुफर का फतवा लगाया गया था, और फिर उस फतवे को लगा के, फिर बगावत का लगा के उनको और उनकी पूरी फैमिली जो है वाकया करबला में आपने देखा कि उन सबको शहीद कर दिया गया। शहीद करने वाले कौन थे जिन्होंने उनको मारा? वो सारे नाम के मुसलमान थे, अपने आप को मुसलमान कहते थे। अब आप कहेंगे कि भाई जो कत्ल हो रहा है, जो शहीद हो रहा है, और जो नबी का नवासा है वो भी मुसलमान, जो मार रहे थे वो नबी के लाए हुए कुरान को फॉलो करने वाले उम्मती, और फतवा लगाया गया था। तो फतवा कैसे लगाया? एक आयत है, बतु इज़्ज़ु मंतशा बतु ज़िल्लु मंतशा बियदिकल खैर, कि अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देते है, जिसे चाहते है रसवाई देते है, ठीक है। तो ये एक बात कह के जो है ना कहा गया था। तो अब आप ये देखें कि वो लोग जो फतवा लगा के लोगों को मारते हैं वो उस वक्त भी थे, वो आज भी हैं, और नबी का नवासा ज़्यादा कुरान को जानता होगा या एक आम मुसलमान। तो इसलिए इस्लाम का जो नाम लेके काम किए जाते हैं ना, ये जो दहशतगर्दी फैलाई जाती है, लड़कियों को मारा जाता है, लड़कियों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है, या फिर जैसे वो थे ना कि कह रहे थे 1000 साल लगे आग बनाने में और इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये इनका ताल्लुक होता है। देखें, मैं अगर कुरान की ट्रांसलेशन करने बैठूं, मेरा अगर दिमाग सही है, मैं लोगों के बारे में अच्छा सोचता हूं, तो मैं कुरान की ट्रांसलेशन वैसे ही करूंगा। लेकिन अगर मैं लोगों से नफरत करता हूं या नॉन मुस्लिम से मुझे चिढ़ है कोई, तो फिर मैं कुरान की ट्रांसलेशन वैसे ही करूँगा। मेरी ट्रांसलेशन में मेरा जो माइंड है वो रिफ़्लेक्ट करेगा। तो इसलिए आप देखें कि इस कुरान की सैकड़ों ट्रांसलेशंस मिलती हैं सैकड़ों मौलवियों के नाम से, और उनमें ऐसी बातें भी हैं जिनको लेके लोग कहते हैं देखो फलानी जगह ये लिखा हुआ है, और उनमें ऐसी बातें भी हैं जिनको हम कहते हैं कि नहीं यार ये गलत है, तो वो हमें कहते हैं तुमने पढ़ा ही नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ जी कि ये जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जो ख़ास तौर पर लड़कियों पर हाथ उठाते हैं, लड़कियों का रेप करते हैं, लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें कोई दोए राय है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ उन्हें चौराहे पर लटका देना चाहिए। लेकिन उन 1000, 1200, 2000, 3000, 10000 की वजह से आप 10 लाख को तो नहीं कहेंगे ना सब एक जैसे।
बस यही मैं समझाना चाह रहा था। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, मैंने बड़ी बातें कर ली लेकिन ऐसे मेरे माइंड में एक बात आई तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। बाकी आप ये अगर लास्ट तक आ गए हैं, आपने हमारी तहम्मुल से सारी बात सुनी है, तो कमेंट सेक्शन हाजिर है जी, आप हमें बता सकते हैं आप मेरी फ़िलासफ़ी से एग्री करते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तो भाई इसी फ़िलासफ़ी पर चलता हूँ कि सब इंसान जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी जो अच्छे इंसान हैं, बुरे की तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और सब मज़ाहिब को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट देंगे तो ये दुनिया चलती रहेगी, अदरवाइज़ हुई है ना कि इस वक्त देखें दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, हर तीसरा बंदा तीसरे से लड़ रहा है, ऐसे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।